Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Dr. Zafar Farooqi. Assistant Professor, Department of Zoology, Government Degree Boys College, KMC Store, Nashtar Road, Karachi. Today my topic is from second year biology, section 3, Environmental Biology, chapter 11, Ecosystem. Topic 11.4 Biogeochemical Cycle, page 247. Topic 11.4.1 Nitrogen Cycle, page 240. Biogeochemical Cycle. सबसे पहले हम देखेंगे Biogeochemical Cycle होते क्या है. The main element for the maintenance of the life are कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं. लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर मेन एलिमेंट कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड्स आर इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. Almost all the compounds are involved in the metabolic activities. The carbon, hydrogen, oxygen form the carbon, hydrogen, oxygen cycle. ये एक अलग cycle है. Carbon, hydrogen और oxygen cycle एक अलग है. जबकि nitrogen का एक अलग cycle है. Complicated अलग cycle है. Nitrogen cycle. हमारे ecosystem के अंदर, हमारे environment के अंदर नाइट्रोजन साइकिल एक अलग तरीके से चल रहा है. कंप्लीट एक साइकिल है, उसको हम डिस्कस करेंगे. द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. दीज एलिमेंट्स आर रिसर्कुलेटेड इन द बायोस्फेयर. बायो मीन्स लाइफ, स्फेयर अर्थ, जमीन. स्फेयर गोल होती है, स्फेयर जमीन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है. बायोस्फेयर अर्थ. इन अ स्पेशलाइज्ड पाथवे फ्रॉम द एनवायरमेंट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अगेन बैक टू द एनवायरमेंट. यानी कि ये एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन साइकिल अलग है, ये सारे एलिमेंट रीसर्कुलेट होते रहते हैं एनवायरमेंट के अंदर. रीसर्कुलेट होते हैं यानी लिविंग थिंग्स से वापस एनवायरमेंट के अंदर जाते हैं. किस तरह से जाते हैं, क्या जाते हैं, साइकिल जो कहला रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल. बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ, केमिकल्स दीज आर केमिकल्स. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दीज आर मेन एलिमेंट्स विच आर रीसर्कुलेटेड इन द इकोसिस्टम एंड बीइंग अ साइकिल, रिसर्कुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल. एक साइकिल की सूरत में होते हैं रिसर्कुलेट, उसको कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स ऑफ अवर इकोसिस्टम. बायो जियो केमिकल साइकिल्स ऑफ अवर इकोसिस्टम, ये है बायो जियो केमिकल साइकिल. अब हम जिक्र करेंगे नाइट्रोजन साइकिल का. नाइट्रोजन साइकिल कैसे होता है? नाइट्रोजन is essential for chlorophyll and amino acids, acids which form protein. Nitrogen is the major part of amino acids, DNA, RNA and ATP molecules. Nitrogen मौजूद होता है. Nitrogen main component है. In main component मतलब इसकी अहमियत, nitrogen cycle की अहमियत क्या है, नाइट्रोजन साइकिल की अहमियत क्या है, क्योंकि वो मेन एलिमेंट है. फर्स्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा है? फर्स्ट सोर्स ऑफ सॉइल नाइट्रेट्स इज द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द सॉइल. द फर्स्ट सोर्स ऑफ सॉइल नाइट्रेट्स इज द डिकम्पोजिशन, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट, एनिमल डेड हो जाए, सॉइल के अंदर चल के जमीन में जाएंगे तो नाइट्रेट्स की सूरत में बनेंगे. फर्स्ट सोर्स ऑफ सॉइल नाइट्रेट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ, यानी नाइट्रेट्स बहुत अहम है. नाइट्रेट्स
का सोर्स कौन है, नाइट्रेट्स का सोर्स सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डेड लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल वो डेड हो गए। फर्स्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ब्रोकन डाउन इनटू अमोनिया, पहला स्टेप क्या है, अमोनिया, अभी हम साइकिल देखेंगे आगे। दिस प्रोसेस कॉल्ड अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, अमोनिया इज देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइड्स, सबसे पहले नाइट्राइड बनाए, अमोनिया किसमें बन रही है, नाइट्राइड्स में। दिस हैपन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सॉइल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, वो हेल्प करते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से वो फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल दी नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं जो कि अमोनिया को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्राइड्स के अंदर, नाइट्राइड्स के अंदर। फिर ये नाइट्राइड्स कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट्स के अंदर बाय अनदर बैक्टीरिया, एक और बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर, वो भी सॉइल के अंदर, ये भी हो रहा है, नाइट्राइड्स कन्वर्ट हो गए, नाइट्राइड्स कन्वर्ट हो रहे हैं नाइट्रेट्स के अंदर बैक्टीरिया की मदद से, उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोबैक्टर। दिस प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, एक प्रोसेस था अमोनिफिकेशन, एक प्रोसेस हो गया नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। द नाइट्रिफिकेशन टेक प्लेस इन वेल एरेटेड सॉइल, यानी हवा होती है बिल्कुल वहां मौजूद होती है हवा, ये खूबसूरत प्रेजेंटेशन यहां पर नाइट्रोजन साइकिल की, जो यहां अहम है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैसेस, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 की सूरत में, जो फ्री स्टेट गैसेस सूरत में, बारिशें होती हैं, लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म इस बैक्टीरिया को फिक्स कर रहे हैं, इस बैक्टीरिया को फिक्स यहां पर लागे कर रहे हैं, यहां पर लागे कर रहे हैं ऑक्साइड्स की सूरत में, ऑक्साइड पानी के अंदर में, पानी नाइट्रोजन N2 ऑक्सीजन ऐसा पानी में मिलेगी, थंडर स्टॉर्म पानी, लाइटिंग रेन ड्रॉप्स मिलेंगी। अभी स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं, पहले भी डिस्कस किया, ये यहां पर आएंगे। ये भी एक प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, ये भी है कि गैसेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग थंडर स्टॉर्म के जरिए, रेन के जरिए फिक्स होके यहां पर आएगी, सॉइल के अंदर आएगी यहां पर आएगी। जबकि ऑर्गेनिक मैटर प्लांट और एनिमल भी मौजूद है, यहां देखें एनिमल है, प्लांट है, मिनरलाइजेशन अमोनियम, ऐसे पहले अभी जिक्र हुआ था स्टेप्स में हमने देखा था अमोनियम की नाइट्रिफिकेशन की वजह से नाइट्राइड्स बने, नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से नाइट्राइड्स NO2, नाइट्राइड्स नाइट्रिफिकेशन का एक और प्रोसेस के अंदर नाइट्रेट्स बन गए NO3, नाइट्रेट्स कंपाउंड ईजली कंज्यूम बाय प्लांट्स, नाइट्रेट्स प्लांट ईजली कंज्यूम करते हैं नाइट्रेट्स को। यहां पर नाइट्रेट्स एक ये देखिए डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होकर N2O की सूरत में गैसेस स्टेज में यहां पर चला जाता है, और ये जो नाइट्रोजन का एक सोर्स फॉसिल फ्यूल इमिशन भी है, वो भी जा रहा है, लेकिन यहां गैसेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यहां पर भी फिक्स हो रही है। थर्ड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, थंडर स्टॉर्म एंड लाइटिंग, अभी आपने पिछले ग्राफ में देखा थंडर स्टॉर्म एंड लाइटिंग, हेयर द नाइट्रोजन इन द एंड फॉर्म ऑक्साइड, नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर कैन बी ट्रांसफॉर्म इंटू अ प्लांट यूजेबल फॉर्म, अ प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग rainfall, lightning, thunder, along with the lightning in the cloud or cloud droplets, बारिशें हो रही बारिश and raindrops, बारिश, nitrogen dioxide dissolve in water and creating, अब पहले nitrogen free state बनी, nitrogen dioxide, वो पानी की मदद से क्या आई, नीचे आई यहां पर soil के अंदर nitric acid की सूरत में, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बन गया, नाइट्रिक एसिड फिर कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट्स और अवेलेबल होता है
अवेलेबल होता है प्लांट्स को आसानी से। दीज ऑक्साइड आर डिजोल्व इन टू वाटर एंड फाइनली मेक नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स बहुत अहम, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड देन कन्वर्ट हो गए नाइट्रेट्स के अंदर। दीज नाइट्रेट्स आर फाइनली अवेलेबल टू द प्लांट टू एब्जॉर्ब थ्रू रूट्स। रूट्स के जरिए वो इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस थर्ड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट थ्रू देयर रूट्स। नाइट्रेट एब्जॉर्ब बाय प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड इन देयर बॉडी। हाँ, अब सबसे अहम बात थी कि नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब हो गए, प्लांट ने नाइट्रेट्स ले लिए, प्लांट ने नाइट्रेट्स ले लिए, नाइट्रेट्स ले लिए और वो उनके अमाइनो एसिड्स में चले गए, ठीक है, उनका ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा बन गए। अमाइनो एसिड्स देन कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। द प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल, एनिमल खाएंगे उनको। द प्लांट प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू एनिमल प्रोटीन, अभी साइकिल चल रहा है ना, प्लांट्स को एनिमल खाएंगे और एनिमल प्रोटीन बन गई। एनिमल प्रोड्यूस नाइट्रोजिनस वेस्ट, और एनिमल जब खाएंगे तो फीसिस फुजला भी निकालेंगे नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है, उनका फुजला नाइट्रोजिनस वेस्ट फीसिस फीसिस। द नाइट्रोजिनस वेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, अमोनिया कंपाउंड इनटू अमोनिया कंपाउंड बाय विट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजिनस वेस्ट डेड ऑर्गेनिक प्लांट और एनिमल डेड भी हो जाएंगे और उनका वेस्ट प्रोडक्ट भी जो उनकी फीसिस उनका फुजला है वो कन्वर्ट होगा इनटू अमोनिया कंपाउंड, अमोनिया कंपाउंड बाय प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। द नाइट्राइट बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट अमोनिया कंपाउंड्स इनटू नाइट्रेट्स रीअब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स। यहीं दोबारा रीअब्सॉर्ब जाएंगे, यानी कि ये साइकिल चलता रहेगा, ये साइकिल स्टेप वाइज यहाँ हमने समझाने की कोशिश की है। नाइट्रोजन साइकिल देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट्स हैं, इसके जरिए आ रहा है। प्लांट्स का मैंने बताया था, प्लांट्स को खा लिया किसने, प्लांट प्रोटीन, प्लांट के अंदर नाइट्रोजन वो कन्वर्ट हो गया एनिमल नाइट्रोजन, दोनों। अब देखें दो एरो यहां पर, देखें यहां पर प्लांट के साथ भी आ रहा है और एनिमल के साथ भी आ रहा है। ये तो डिकम्पोज हो गए, मर गए, डेड हो गए, ये इनका फुजला भी आ गया यहां पर। एरोबिक एंड इन एरोबिक, एरोबिक ऑक्सीजन की मदद से जो सांस लेना होता है उसको एरोबिक कहते हैं, इन एरोबिक जो ऑक्सीजन जहां नहीं होती उसको कहते हैं इन एरोबिक बैक्टीरिया फंजाई। ये डिकम्पोजिशन हो रही है, डिकम्पोजिशन एरोबिक इन एरोबिक डिकम्पोजिशन हो रही है प्लांट्स की। डेड प्लांट्स मर गए, एनिमल भी मर गए, इधर आ गए, अमोनिफिकेशन हुई, अमोनियम बने NH4 जो अभी जिक्र हुआ पीछे स्टेप्स में। फिर नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहे हैं इसको नाइट्राइट्स के अंदर, नाइट्राइट्स कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रेट्स NO3, नाइट्रेट्स को इजिली प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फ्री नाइट्रोजन स्टेज के अंदर ऊपर भेज देती हैं, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म के जरिए फ्री नाइट्रोजन भी ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की मदद से इधर आ रहा था और नाइट्रेट बन रहे थे, अल्टीमेटली नाइट्रेट बन रहे थे और प्लांट उनको इस्तेमाल कर रहा था। और ये नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द रूट्स नोड्यूल्स और लिग्यूमिनस प्लांट लिग्यूम्स, ये यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। नाइट्रोजन भी यहाँ पर, N2 भी यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर आ रही है और नाइट्रेट्स की सूरत में पौधे एब्जॉर्ब करेंगे। हमेशा ये याद रखें, नाइट्रेट्स की सूरत में पौधे इस्तेमाल करें। नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट कर रहे हैं अमोनियम के अंदर, अमोनियम से बना नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स से बना नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स को इजिली प्लांट ने इस्तेमाल कर लिया है। तो ये एक तरह से नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।